प्रधानमंत्री जी मेरा नाम उत्पल सैकिया है और मैं असम से हूँ मैं अभी नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर गुवाहाटी में फूड एंड बेवरेज सर्विस में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ और आ, मैं इधर नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में मेरा अभी छः साल संपन्न हो गया है और मेरा मार्गदर्शन से अब तक 200 से ज़्यादा छात्र सफलतापूर्वक प्रशिक्षित हो गया है और देश और विदेश में फाइव स्टार होटलों में काम कितने समय का कोर्स है आपका एक, एक साल का कोर्स है वन ईयर oh, yes, और हॉस्पिटलिटी का जानते हैं हॉस्पिटलिटी फूड एंड बेवरेज सर्विस सर फूड एंड बेवरेज उसमें क्या विषय सिखाते हैं आप हम सिखाते हैं कैसे गैस से बातें करते हैं कैसे फूड सर्विस होता है कैसे ड्रिंक सर्विस होता है तो इसके लिए हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रेडी कराते हैं डिफरेंट uh, टेक्निक्स सिखाते हैं कैसे गैस का प्रॉब्लम uh, सॉल्व करना है कैसे टैकल करना है वो सब हम सिखाते हैं जैसे कुछ उदाहरण बताइए इन लोगों को काम है क्या क्योंकि इनको घरों में के, को, के, को <laughs> बच्चे को ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा ऐसा करते हो तो आप अपनी टेक्निक सिखाइए ये। ये बच्चों के लिए अभी तो मेरे पास कुछ टेक्निक है नहीं लेकिन हाँ। जो गेस्ट आते हैं हम लोग जो हमारे पास होटल्स में आते हैं तो उन लोग को कैसे टेकल करना है मतलब पोलाइटली हम्बली उन लोग को बातें सुन के ज्यादातर आपका फोकस सॉफ्ट स्किल पर है सॉफ्ट स्किल्स ज्यादातर वहां से निकले हुए बच्चों को जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी कहाँ रहती है ऑल ओवर इंडिया जैसे कि दिल्ली हो गया मेनली बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े होटल्स में हाँ हमारा हाँ। 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 मतलब हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट गारंटेड है हमारा प्लेसमेंट टीम है वो लोग देखते हैं तो वैसे आप गुवाहाटी में हैं हाँ जी सर अगर मैं हेमंता जी से कहूँ हाँ जी सर कि हेमंता जी के जितने मिनिस्टर्स हैं हाँ जी सर उनके स्टाफ को आप ट्रेन करें और उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि उनके यहाँ गेस्ट आते हैं और उसको मालूम नहीं होता है कि ये गेस्ट को बाएं हाथ से पानी दूं या दाहिने हाथ से <laughs> तो हो सकता है डेफिनेटली uh, हो सकता है सर देखिए बात आपको आश्चर्य होगा मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री तो मेरे यहाँ एक होटल मैनेजमेंट स्कूल था तो मैंने बड़ा आग्रह किया था कि मेरे जितने मिनिस्टर्स हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ है उनको सैटरडे सैटरडे संडे जा कर के वो सिखाएंगे तो उन्होंने वॉल्टरली सिखाना तय किया है और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे काम करते या मालिक काम करता था या कुक काम करता था मैं जितने भी मिनिस्टर्स के यहाँ की वहाँ पर तीस चालीस चालीस घंटे का करीब सिलेबस होता था उसके बाद उनके परफॉर्मेंस से इतना बदलाव आया और घर में जाते ही पता चलता था कि वाह कुछ नया नया लग रहा है और तो जो परिवार वाले हैं उनको शायद उतना ध्यान में नहीं होते मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तुमने कैसे कर दिया सब तो वहाँ सीख के आता था तो मैं समझता हूँ कभी ये भी करना चाहिए ताकि एक बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि भैया एक छोटा सा होता है इवन घर में काम करने वालों को भी आते ही कोई नमस्ते जैसे टेलीफोन उठाने वाले लोग सरकारी दफ्तर में कुछ लोगों के ट्रेनिंग होते हैं वो जहीन बोल करके उठाएंगे फोन या नमस्ते करके उठाएंगे कुछ हाँ बोलो क्या कहना है <laughs> तो वहीं से बात बिगड़ जाती है <laughs> तो आप उसको बराबर ठीक से हैं। सिखाते हैं सिखाते हैं सर सिखाते है। चलिए बहुत बधाई है आपको धन्यवाद